चलो बेटा, अब मैं आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका 90% ऑफ द एनपीओ में कोई डाउट नहीं बचेगा, बिकॉज मैंने एक नॉर्मल कैजुअल क्वेश्चन दिया है कि कैसे एनपीओ को अटेम्प्ट किया जाए, कैसे एनपीओ को स्टार्ट किया जाए, कैसे एनपीओ सहज हो जाए। बट इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हो तो स्टेप्स से आपका एनपीओ पूरा इजी होने वाला है, दैट आई प्रॉमिस। तो प्लीज स्टेप्स पे ध्यान देना बेटा। हमेशा आपको 90% होता है आपको रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बना हुआ मिलता है और आपको कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपको एक तो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बना हुआ मिलता है और आपको क्या मिलती है बेटा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसके बिहाफ पे आपको इनकम एंड एक्सपेंसिव बनाना पड़ता है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बेटा पहली बात तो हमेशा जिंदगी में ध्यान रखो, फॉर्मेट ऐसा बनाओ, यहाँ पे पहले बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर बनाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट उसके नीचे, और फिर बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ऐसा करने से बच्चों का लय बनी हुई रहती है, ओपनिंग क्लोजिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब जो मैं बच्चों को स्टेप वन बताता हूँ, स्टेप वन मतलब क्या, सबसे पहले जाके बिल्कुल टू बैलेंस नोट ऑन दिया, क्या क्या दिया, कैश का, क्योंकि कैश अकाउंट ही एक प्रकार से रिसिप्शन पेमेंट। तो टू बैलेंस नोट ऑन दिया वो ओपनिंग कैश बैलेंस होता है, क्या होता है, ओपनिंग कैश का या ओपनिंग बैंक का बैलेंस होता है। तो स्टेप वन ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग कैश को जाके ओपनिंग बैलेंस शीट बना दो, क्लोजिंग कैश को जाके क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जो बच्चे इस वीडियो के बाद अपने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो अपने को खोल के बैठो, आप डालो उसके अंदर ओपनिंग कैश का डाल दो, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग कैश का डाल दो, क्लोजिंग बैलेंस शीट। स्टेप बाय स्टेप आपको पता ही चलेगा कि आपने इस वीडियो के बाद आपकी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन अपने आप ही स्वतः सॉल्व कर लिया, 90% का क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को ढंग से फॉलो कर रहे हो। तो बेटा ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैश कितना है बेटा तुम्हारे पास 20,000। तो ओपनिंग कैश कितना है बेटा तेरे पास 10,000 और क्लोजिंग कैश तेरे पास कितना है 20,000। तो इनको सेट कर दे, इनका कोई और काम ही नहीं है, तो ये हट गए। स्टेप टू सबसे टिपिकल चीज पे बात कर, स्टेप टू सबसे टिपिकल चीज वाला है, यहाँ पे लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। अच्छा क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, मतलब आउटस्टैंडिंग के बारे में आप तो लिख दो, यहाँ पे आएगा बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव प्लस बेटा क्या आउटस्टैंडिंग एट एंड, माइनस क्या बेटा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, प्लस क्या बेटा प्रीपेड एट बिगिनिंग, माइनस क्या बेटा प्रीपेड एट एंड। तो बेटा एक तो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये तो कहां से मिलेगा, ये तो उसके जस्ट बाद 91 होता है बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कितना है तेरे पास बेटा 55,000, कितना है 55,000। अगर चाहो तो उसको एक रफ कॉलम बनाओ, एक मेन कॉलम बनाओ। तो अगर आप रफ कॉलम बना रहे हो तो ये आपका रफ हो जाएगा हिसाब, और अगर तुम्हारा मेन कॉलम बन जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव तेरे पास कितना बेटा 55,000। सबसे पहले नीचे कुछ दिया ही तो ये नीचे प्रीपेड एंड अगले साल की फीस है, ये बिना दिमाग लगाए माइनस ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको तो बोला है कि 2019 की फीस 50,000 आई, 2018 की 10,000 आई, 2020 की फीस कितनी आई 5,000, तो बेटा फीस तो मैंने यही काम किया 2019 की, लेकिन उसमें से ही बता दो कुल मिला के तेको पैसे कितने मिले 55,000। उसमें से जो लास्ट वाला पार्ट है जो 5,000 वो तो बेटा माइनस ही होना, उसमें प्रीपेड एंड में जाके 5,000 क्या होगा तुम्हारे पास माइनस। अब अगर मैं देखो बात बताऊं, अगर 5,000 के पास क्या होगा बेटा माइनस। अब अगर मैं उसे और आगे की बात करूं ढंग से, तो बेटा ऊपर देख स्टार्ट करते हैं अपन सब्सक्रिप्शन ड्यू, कुछ इंफॉर्मेशन दे देंगे देख रजिस्टर में। सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू मतलब क्या आउटस्टैंडिंग, बेटा आउटस्टैंडिंग एंड बिगिनिंग कितना है 10,000 और आउटस्टैंडिंग एंड एंड कितना है 12,000। तो आउटस्टैंडिंग एंड बिगिनिंग कितना है तेरे पास बेटा 10, वो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, और आउटस्टैंडिंग एंड एंड कितना है बेटा तेरे पास कितना 12,000। बोलो कोई डाउट तो नहीं आता। अब तू खुद देख, सॉरी बेटा आउटस्टैंडिंग एंड एंड तेरे पास 12,000 है, आउटस्टैंडिंग एंड बिगिनिंग कितना है तेरे पास 10,000, प्रीपेड एंड बिगिनिंग 2,000, प्रीपेड एंड एंड कितना 5,000, प्रीपेड एंड बिगिनिंग कितना बेटा 2,000। तो ये ले प्रीपेड एंड बिगिनिंग कितना है तेरे पास 2,000 और प्रीपेड एंड एंड तो कितना है 5,000। तो अपने को बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो 10,000 रुपए का ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो गया क्योंकि हमने नीचे की चीजें फॉलो कर ली। देख पिछले के बकाया कितने 10,000, वो आ गए इस साल। भाई पिछले के बकाया कितने थे 10,000 थे बकाया, वो आ गए इस साल, लेकिन वो इस साल की इनकम नहीं है क्योंकि वो पिछले साल के बकाया थे जो इस साल आए हैं, इसका मतलब वो इस साल की इनकम नहीं है। तो बेटा अगर हमने इसको हिसाब किताब लगाया तो 55 + 12 तो कितना बेटा 67 में से 10 गए कितने बेटा 57 प्लस 2 59 माइनस 5 कितना गया 54,000। हाथों हाथ इन चीजों को बैलेंस शीट बना लिया, हाथों हाथ अपन बात का तो ना करेंगे बेटा, हाथों हाथ कुछ मत कर, यहां से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग ऊपर डाल दे और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड नीचे डाल दे।
तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगनिंग तेरे पास कितना है 10,000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड कितना तेरे पास बेटा 12,000 प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट बिगनिंग तेरे पास कितना है प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट बिगनिंग कितना तेरे पास 2,000 प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट एंड कितना तेरे पास 5,000 तो प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट बिगनिंग तेरे पास कितना है 2,000 प्रीपेड सब्सक्रिप्शन एट एंड तेरे पास कितना है 5,000 बोल के डाउट तो नहीं आता अगर तेरे को यहां तक समझ में आ गया तो नेक्स्ट अपन धीरे-धीरे एडजस्टमेंट को देखते हैं बेटा ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है बेटा 5,000 और क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है बेटा तेरे पास 3,000 तो ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल इज इन ओपनिंग बैलेंस शीट कितना बेटा 5,000 और क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल इज इन क्लोजिंग बैलेंस शीट कितना बेटा 3,000 तेरे पास बेटा ओपनिंग बैलेंस कितनी है बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी तो बिल्डिंग ओपनिंग में कितनी है बेटा तेरे पास 1,00,000 और बिल्डिंग क्लोजिंग में बेटा तेरे पास कितनी है 90,000 मतलब ये मान के चल अगर कुछ नहीं गिवन है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसका मतलब डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग लगा है कुछ बच्चे पूछेंगे क्या सर हम इसको सेल ऑफ बिल्डिंग मान सकते हैं बट यू तो मान सकते थे बट क्योंकि 1,00,000 से वो 90,000 ही हुई और लॉजिकली देखें तो बिल्डिंग या मशीनरी से एसेट अगर कम हो रहे हैं और थोड़े अमाउंट से कम हो रहे हैं इसका मतलब उन पर डेप लगा हुआ है अगर सेल ऑफ बिल्डिंग होगा तो अलग से क्वेश्चन में मेंशन होगा आप अपने आप सेल ऑफ बिल्डिंग नहीं मान सकते हो और सेल ऑफ बिल्डिंग होता तो रिसिप्रोकल पेमेंट ना था अब हम जाएंगे बेटा स्टेप 1 क्या थी ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट स्टेप 2 क्या थी सब्सक्रिप्शन पे अटैक करना है बाय सब्सक्रिप्शन प्लस क्या आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस क्या आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग प्लस क्या प्रीपेड बिगनिंग माइनस क्या प्रीपेड एट एंड इनको का से सेट करना है बैलेंस शीट में एसेट एसेट देख लो बेटा ये दोनों क्या है एसेट एसेट और ये दोनों क्या है लायबिलिटी लायबिलिटी ये सेट करने के बाद स्टेप 3 आपकी थी अदर एडजस्टमेंट को डिक्लेयर करना स्टेप 4 अब जाओ उसकी रिसीप्ट साइड पे बेटा रिसीप्ट साइड पे और क्या दिया हुआ है डोनेशन तो लिखते बेटा यहां पे बाय डोनेशन तो बाय डोनेशन के पास कितना आ जाएगा बेटा लेट्स से 30,000 फिर देखो आएगा बाय रेंट ऑफ हॉल दिया हुआ है बेटा तो बाय रेंट ऑफ लेट्स से हॉल कितना तेरे पास बेटा 12,000 फिर बेटा उसके बाद क्या दिया हुआ है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल जिनकी कॉस्ट प्राइस थी 700 उनको बेचा कितने में 500 में 700 की चीज अगर तूने 500 में बेची इसका मतलब देखो 200 रुपए का क्या हुआ लॉस सीधे टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना बेटा तेरे पास 200 अब आ जा तू खर्चों वाली साइड खर्चे में अपने पास क्या बेटा सैलरीज कितनी सैलरीज बेटा 20,000 फिर अपने पास क्या ऑनरेरियम तो अपने पास ऑनरेरियम कितना है बेटा अपने पास 5,000 फिर अपने पास क्या है इन्वेस्टमेंट क्या इन्वेस्टमेंट खर्चा है क्या बेटा नहीं इन्वेस्टमेंट तो हमारी क्या है एसेट बेटा मैंने शायद इन्वेस्टमेंट 2 वाले दिए तो इसको आप मान लो फर्नीचर लेट्स से तो आप करेक्ट कर रहा हूं बेटा तो ये अपना क्या है फर्नीचर तो फर्नीचर का खर्चा है क्या नहीं फर्नीचर इस साल खरीदा गया तो फर्नीचर खर्चे में आएगा कि एसेट में आएगा फर्नीचर कहां में आएगा एसेट में तो उस फर्नीचर को डाल दे यहां सर क्या इस फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है अगर एडजस्टमेंट में दिया तो बिल्कुल लगा देना एडजस्टमेंट में नहीं दिया नहीं लगाना है अगर मैं तेरे को बोलूं चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर तो लगा दे टू डेप ऑन फर्नीचर टू डेप ऑन कितना बेटा फर्नीचर 30,000 का 10% कितना हो गया बेटा तेरे पास 3,000 30,000 का 10% तेरे पास कितना हो गया 3,000 तो तरीके जाएगा टू डेप ऑन फर्नीचर अब अगर मैं देखो और आगे बढ़ूं ये क्या है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके एसेट भी होते हैं और जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज हो गए वो खर्चा भी होते हैं तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है यहां पे आता है टू स्पोर्ट्स यहां पे क्या आता है टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना बेटा 12,000 रुपए के प्लस ओपनिंग स्टॉक कितना बेटा आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग स्टॉक बेटा कितना है बस 5,000 प्लस कितना 5,000 माइनस कितना 3,000 तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास 14,000 सही इसको ऑलरेडी अपन बैलेंस शीट में डाल चुके हैं तो ओपनिंग स्टॉक का क्या करेंगे 12,000 प्लस 5,000 माइनस कितना 3,000 तो आपने इतने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट साल भर में यूज कर लिए उसके अलावा बेटा क्या दिया अपनी इन्वेस्टमेंट बेटा इन्वेस्टमेंट भी अपनी एसेट है लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो अपनी क्या है इनकम तो बेटा तुम इन्वेस्टमेंट डालेगा यहाँ एसेट साइड इन्वेस्टमेंट कितने की बेटा 20,000 की डाल दिया बेटा क्या इसका इंटरेस्ट कुछ भी मिला है कि इस तरह से रिसीप्ट साइड को इंटरेस्ट मिला है क्या नहीं लेकिन इंटरेस्ट बनता तो है तो अक्रूड होगा अक्रूड मतलब बनता तो है
पर मिला नहीं है तो अक्रूड इंटरेस्ट होगा बेटा, वो अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे एड होगा इन्वेस्टमेंट में, कितना बोला है ऑन फर्स्ट अक्टूबर, दिख रहा है फर्स्ट अक्टूबर, तो 20,000 का 6%, 20,000 का 6% अगर मैं 6 महीने के लिए लूंगा बेटा तो ये 1+2 ये कितना 3,000, तो इधर कितने हो गए 600 रुपए, कितने हो गए 600 रुपए यहाँ पे भी आएंगे और बेटा इस तरफ भी आएंगे इनकम साइड पर बाय, तुम्हारे पास क्या आएगा बाय अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से कितना जाएगा तुम्हारे पास 600, सो उसके अलावा क्लोजिंग इंटरेस्ट बस बेटा, अब इस सबको ऐड कर, इन सबको माइनस कर, यहाँ पे तेरे पास क्या आ जाएगा बेटा सरप्लस, अगर मैं देखो बताऊं तेरा जो पहला बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा सरप्लस, ऊपर जो तू बैलेंसिंग फिगर निकालेगा तो तेरे पास क्या आ जाएगी बेटा कैपिटल एट बिगिनिंग, नीचे अगर तू निकालेगा तो तेरे पास क्या आ जाएगा कैपिटल एट एंड, तो ऊपर आ जाएगा कैपिटल एट बिगिनिंग और नीचे क्या आ जाएगा कैपिटल एट एंड, बोलो कोई डाउट तो नहीं आता, तो ऊपर क्या आ जाएगा कैपिटल एट बिगिनिंग और नीचे क्या आ जाएगा कैपिटल एट एंड, I hope तुमको यहाँ तक क्लियर होगा, ऐसे नॉर्मल कोई भी एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कितने लड़के।